ਘਰਾਟਾ ਪਾਰ ਅਬਸ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜੁਲੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕੀ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਬਸ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਰੋਡ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਫਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੁਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਨੇ ਪੁਲ ਪਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਜੀਰਾ ਤੇ ਤਰਾੜ ਖਾਲ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਨੂਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰਾਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਸਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਬਣਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਖਲੋਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਵਾਟਰਫਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵਾਟਰਫਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਟ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣਾ ਚੱਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੀਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਪਏ ਉੱਧਰ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਤੱਕੀ ਇਹ ਤੱਕੋ ਜੀ ਇਸਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਇਸਨੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਬਣਤੇ ਆ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੱਕੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਤੇ ਆ ਇਸਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੰਦਰ अच्छा अच्छा ये है हूँ तुम्हें मैं चेक कराना अंदरू जी घराट है ए छोटी जी खिड़की है इसने अंदर जरा ना खड़ने मोबाइल तक चेक कराने घराट यह जरा ना मकई ना आटा पीया जा रहा है जी कुदरती तौर पर जरा ना ये मसाल है तो पानी नहीं जरा ना उस ना चल रही है कोई बिजली निज़ाम नहीं है इतना तो अगर जुलने पानी स्पीड चेक करो जी कितनी स्पीड ना पानी आ रहा है जबरदस्त जी अच्छा जी ये तुसें नज़र आ रहे हो पानी कितना छल मार रहा है ये जनाब पानी उपरू आ रहा है थले पखा लगे है तो पखा चलने का उपर जो चक्की तुम तकी है ना वह चक्की चलनी है तो पानी नहीं बहुत ज़्यादा स्पीड है जी ये बहुत ही इनवायरमेंट जरा ना एक कुदरती तौर पर इनवायरमेंट बनते हैं तो बहुत ही प्यारा अगर जुलने ये दसो जी ए नीचे क्या है जी ये क्या चीज़ है अच्छा ये पानी ने प्रेशर बनना थले एक और चक्की लगी है थले एक और चक्की है आ रहे हो पानी स्पीड चेक कराओ जी कितनी स्पीड न जा रहा है पानी ये नीचे तक है ये जिसने ऊपर था खलोते हैं ये भी इतने इतना भी चक्की लगी हुई है एक अच्छा इतना भी चक्की लगी है तो नीचे भी कोई चक्की लगी हुई है तो बहुत ही जरा स्पीड नाल पानी जा रहा है तो कुदरती तौर पर जरा तको कितना ही प्यारा था कितना जबरदस्त जरा ना एक इे जो नज़ारे तुम्हें नहीं लगे ये कश्मीरी चीन तो कश्मीरी नज़र आ रहे ये एक और कमरा खुले से ऊपर तक खिड़की जी में उसे चेक कराई है घराट तो इतने कमरा खुले इतने जरा ना आटा वगैरह पीए जा रहा है तो ये तो घराट चलनी पी पत्थर है एक पत्थर ही उन्हें कटाई करते रखे उपरू दाने दाने इसने पर इतने पाए ने तो इसी के आने जी तुम नाल नाल बोलियो दसो चो दाने निकल निकल एक एक दाना कैसा निकलना जी ये समझ नहीं आनी भी वाइब्रेशन कर रही ना थले अच्छा वो लकड़ा नहीं है तो वह फिर जरा ना माशाल्लाह जी जबरदस्त ये बहुत ही ये देसी मकई इतना नहीं है माशाल्लाह जी जबरदस्त ये तुसा इतना आटा पिया जो तो अगर फिर इतने लोकल लोग फिर ले लेने तुसा अच्छा लोगों दाने का इतना बिजली पर नहीं चलनी पी कुदरती पानी ना चल रही माशाल्लाह ये कितनी पुरानी हो सी घराट अच्छा तकरीबन इन्होंने 35 साल इन्होंने उम्र है तो उसकी पहले नहीं है ये पहले जमाने जरा कोई बिजली का निज़ाम नहीं होना कोई मशीन नहीं सी होनी तो इस तरह आटा पिया जाना सी तो कुछ लोग हाथों ना ही पीने से यह मशीन जरा जदीद जदीद तो पहले जी होनी सी ये चीज़ है तो मजीद जुलने अगर तकने और खूबसूरत जगह है अच्छा जी ये मैं इस वक्त जरा चक्की नहीं जी पुराने दो चक्की है उसने अंदरों निकले तो तुम अंदर तक है मैं तफसील दसिया कि पुरानी जो चक्की है ना वो किस तरह चलनी असं घराट आने असानी तो जबान असी चक्की आने तो यह घराट है पानी ना जी चलनी है तो यह अगर तक पानी इतों गुजर के जा रहा है थल्ला एक पखा लगे जी अगर कैमरा मैन तका सकै नीचे एक पखा है वो तकिया उसी उपर चक्की चलनी पी है पानी आ रहा है तो चक्की चलनी किसने चक्की ने थल्ला एक पखा लगे है पानी जरा उसने पर पैना तो पखा चलना तो चक्की अगर चलनी है तो तुम्हें नज़र आ रहा उसी कितनी स्पीड ना पानी उस पखे पर पैना तो अगर जो पखा चलना वै तो अगर कैमरा मैन तका सकने पीछे कितनी छल जा रहा है तो कितना खूबसूरत है मंजर तो जुलने अगे तो अगर जुली तो चेक करने इतना एक वाटरफॉल भी है वो भी चेक करने की जहाँ वाटरफॉल है
अच्छा जी ये वाटरफॉल जिस जगह आना सी ना वो असा उस जगह पहुंच आए हैं, तक सकने हो कितना ही खूबसूरत है कुदरती नज़ारा है। तो यकीन करो इतनी ठंड है ना इतना, तो ठंडा यह पानी है, पिछले गर्मी सी इतना आया इतना ही ठंडा पानी है, तो दिल ही नहीं करना इतना निकलने ना। तो तुसा लोग भी इतना आओ, इसी एक्सप्लोर करो, तको बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये अजीरा तरार खाले दरम्यान एक ग्रां है, घराटा पार्क है, ये उत्थे बनते हैं उपर घराटा से तकिया ना घराट तू मैं चक्की ये जगह तो तको जी दसो उपरू पानी से ढह रहा इसी जगह तू आ रहा पानी, तो इसलिए मेरे उपर ढह रहा है, मैं जहाँ बड़ी मुश्किल से खलोते हैं। तो ये तको पानी कितना खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जी। तो पूरी कोशिश की है जी तुसा कि तकाने नहीं, तो मेहरबानी ये करनी है इतू ध्यान नाल टुरना है, ये इतना बहुत ज़्यादा स्लिप है, तो यह ना कि तुसा लत बह पा जाए एंड पर मैं हूँ तुसा को ज्यादा लैसा। तो इे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी मेहनत पर जरा तुसा कमेंट भी करना वै, तो मेरे चैनल की सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना वै।